बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले रमज़ान मुबारक का पहला जुमा मुबारक हो। और आज यूनिवर्सिटी से भी निकले हैं तो जा रहा हूँ रक्स चेंज तक और दीना मार्केट तक जाना है, बड़ा सामान लेना है। अनाटॉमी क्लास लेके हैं 6 घंटे की, ओवरऑल बस होगी है, ऊपर से होगा बहुत बस होगी है। तो एक्सचेंज जाना है, एक्सचेंज से जाएंगे मदीना, दीना से जाएंगे दीना से शायद सीधा वापसी हम हॉस्टल ही जाएँ, हॉस्टल जाएंगे जाकर सो जाएंगे। बाकी यार रूटीन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है क्योंकि कल भी इसी तरह थी। कल मैं 5 बजे आया हूँ आकर सो गया हूँ, तारीख की है फिर सो गया हूँ, तो फिर उठो मैं जनाब 11 बजे, फिर उठ कर पढ़ता रहा ठीक है, फिर सहरी की तैयारी करने लग पड़े, सहरी की तैयारी करके फिर पढ़ा, फिर यूनिवर्सिटी चले गए और अब यूनिवर्सिटी से निकले हैं, अब जाकर फिर सो जाएंगे। तो खैर आगे 2 छुट्टियाँ अब इंशाल्लाह रूटीन सेट हो जाएगी, उम्मीद है इन्हीं 2 छुट्टियों में रूटीन सेट करनी है। यार एक्सचेंज पे आए थे डॉलर चेंज करवाने, तो उन्होंने माड़े बंदे का डॉलर ही नहीं लिया, कहते हैं कि आप बैंक जाओ इसमें कोई मसला है, कुछ लिखा हुआ ऊपर इस वजह से। तो अब पता नहीं बैंक किधर है किधर नहीं, आगे बस हुई पड़ी है रोजे से, तो थकावट इतनी हुई है जा चुके। चले खैर देखते हैं, बैंक का ना तो जाएंगे, अगर हो गया तो करवा लेंगे, नहीं होगा तो नहीं करवाएंगे। अब जा रहे हैं दीना, दीना से कुछ चीज़ें लेनी है अफ्तारी के लिए। दीना गए थे, दीना से सामान वगैरह लिया तो उसको छोड़ा, अभी निकले हैं तो बारिश वगैरह काफ़ी हुई हुई है पहले की, लेकिन हम अभी निकले हैं। अब हम जा रहे हैं शूज़ लेने ठीक है, वहाँ से शूज़ है उधर, तो उधर से जाएंगे थोड़े से जो कल डॉलर नहीं चले थे वो आज एक्सचेंज करवाएंगे, और उसके साथ कुछ और डॉलर वो एक्सचेंज करवाएंगे बैंक से ठीक है। फिर एक्सचेंजर पर जाएंगे, बैंक जाएंगे, हम पता लगा जो डॉलर कहीं नहीं चलते वो बैंक में चलते हैं, हाँ बैंक में चला लेते हैं अगर उधर चल गए, उधर भी ना चलें तो हमारे पास एक उसका सोल्यूशन और भी है। उसका सोल्यूशन फिर ये है हमारे पास कि हमारे जो बॉस है ना MD आलम साहब, उनको देंगे ठीक है, वो हमें करवा के देंगे चेंज ठीक है। तो उन्होंने पहले भी करवा के दिए हैं बहुत से बच्चों के, और मेरे भी एक बार करवा के दिए, तो वो हमें करवा देंगे, भली साहब भी करवा के दिए। शूज़ वगैरह लेने हैं क्योंकि मेरे पास तो काफ़ी स्नो वाले शूज़ पड़े हुए हैं, दो शूज़ दोनों शूज़ स्नो वाले हैं, और स्नो तो ओवरऑल ख़त्म हो गई है, अब आगे थोड़ी थोड़ी ना मौसम चेंज हो रहा है, लाइक टू भी गर्मी आ रही है, तो गर्मी तो नहीं खैर आनी इतनी, लेकिन फिर भी थोड़े से शूज़ तो होने चाहिए गर्मी वाले, मैंने कहा चले वो ले लेते हैं। और उसके अलावा जो हमारे बॉस हैं अली साहब, उनके लिए लेना है एप्रल, तो वो भी लाजमी था, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हमने की है, तो आज वो भी लेके जाना हर सूरत में। यार और बहुत से बच्चों का ना क्वेश्चन आ रहा था PMC वाला कि PMC ने ये क्या कर दिया है, कजाकिस्तान सेकंड लिस्ट में आ गया है और दूसरे यूरोप कंट्री ये लिस्ट में ये हो। यार इंशाल्लाह आज तो नहीं लेकिन कल, शायद आज रात में बना कर रख लूँ और कल अपलोड करूँगा PMC वाली वीडियो भी इंशाल्लाह ठीक है। उसमें ओवरऑल मैं डिटेल से बात करूँगा, सारी बात उसमें मैं बता दूँगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ और आगे क्या होगा ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये मैं आपको ये भी क्लियर कर दूंगा, इस बात की टेंशन ना लें। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे जिनका भी नेक्स्ट सेशन में आना, जिन्होंने ना जिनका एडमिशन हुआ, वो बहुत से बच्चे क्वेश्चन से पूछ रहे थे भाई ये क्या होगा क्या नहीं हुआ, अब इसका क्या हल होगा, इसका इतना कोई मसला नहीं है ठीक है, ये हो जाएगा। तो बाकी कोई नहीं, वीडियो आएगी आपको सारी क्लियरिफिकेशन हो जाएगी, ये क्या हुआ कैसे हुआ ये वो ठीक है। हाँ यार एक मसला होगा छोटा सा, मसला क्या हुआ है कि शूज़ लेने आए थे, 2 शूज़ आ गए पसंद, तो मसला ये है कि पैसे नहीं है पास, सबसे बड़ा मसला, लेकिन पसंद आ गए हैं लेने तो हैं अब, और लेने नहीं लेने ही लेने ठीक है। तो दूसरा मसला ये है कि लेने हैं, पहला मसला पैसे नहीं है, कोई नहीं ले लेते हैं इनके पैसे, तो ले लेंगे ने बाद में दे देंगे किस्तों पे, इसी तरह चलता फिर। हाँ यार बाहर निकले हैं शूज़ वगैरह ले कर, तो बारिश वगैरह हो रही है तो शूज़ भी ले लिए हैं, 3 पे ले लिए 2 की बजाय, पूरा खर्चा कर दिया मैंने, का एक बार ही करते जितना करना है कोई मसला नहीं है। तो अभी निकले मौसम काफ़ी अच्छा सा हुआ,
यार बारिश हो रही है, मौसम बड़ा प्यारा सा वो यार। तो एटीएम से निकले हैं अभी, मैं अकेला ही था, बाकी मैंने भेज दिया अनवर। तो अब जा रहा हूँ मैं अनवर यार दीना से ना, दीना से कुछ दर्जे बेहतर है। और कॉस्टली भी देखा जाए तो दीना से थोड़ी सी इसकी प्राइसेस लो हैं, ठीक है। बाकी ओवरऑल अच्छी है दीना से, अनवर है जो, और इधर दीना और अनवर दो ही ब्रांड हैं, ठीक है। इनका आपस में कंपेयर किया जाता है और दोनों ही अच्छी हैं, लेकिन अनवर मुझे अच्छी लगी है दीना। और बाकी चीज़ें भी अच्छी हैं, सेम ही हैं, इतना फ़र्क नहीं है। यार अनवर से निकले हैं सामान वगैरह लेके, तो बाहर निकले तो काफ़ी बारिश हो रही, तो हमने सोचा कि यार गाड़ी करवा लेते हैं। तो फिर हमने गाड़ी करवा ली, ऊपर से आज हमने शॉपिंग जनाब खुले दिल से की है, रज के की है। मैंने कहा एक बार ही कर लो, सामान काफ़ी था तो मैंने कहा यार गाड़ी बेस्ट है, क्योंकि बारिश भी हो रही है, सिम बारिश है, इसी बारिश में बंदा बीमार हो जाए उससे अच्छा गाड़ी हो। अब आगे जा रहे हैं हॉस्टल को, अब जाके इफ्तारी का कुछ करते हैं, और अफ्तारी के बाद बनाएंगे आज हम खाना, अफ्तारी करके फिर हम बाद में खाना बनाते हैं आज, ये सबसे बेस्ट है। आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।